ये बात है सन 1900 की, जब निकोला टेस्ला द्वारा किया गया एक विलुप्त आविष्कार, और उस आविष्कार का नाम था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक वैसे जैसे आजकल हम वाईफाई यूज करते हैं और बिना वायर के दुनिया के किसी भी शहर से दूसरे शहर में बात करते हैं। इसके लिए उन्होंने उस समय के सबसे बड़े इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन को उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने को कहा। शुरुआत में तो जेपी मॉर्गन ने उस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया, लेकिन जब बाद में जेपी मॉर्गन को पता चला कि टेस्ला पूरे शहर में फ्री बिजली सप्लाई करने का सपना देख रहा है, तो उन्होंने टेस्ला के इस प्रोजेक्ट पे फंड देना बंद कर दिया। और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 1905 में इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा, और 1918 के बाद जेपी मॉर्गन ने टेस्ला के उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया।